आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। सॉरी, यहाँ फादर लिख दिया है ना। ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में करते क्या है कि हम इनकी जो पीढ़ी दी गई है, जो जनरेशन से, उनको अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर में रिलेशन बताया गया, तो सबसे पहले क्या आएगा? ग्रैंडफादर ही होगा। ग्रैंडफादर के बाद इनके क्या आएंगे? फादर आएंगे, फिर डॉटर आएगी, ग्रैंड डॉटर आएगी है ना। डॉटर होगी, उसके फादर होएंगे, उसके फादर को ही तो ग्रैंडफादर बोलेगी। इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ही इज, ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो भी इक्वेशन बनती है हमारी। अ ग्रैंड फादर इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब 10 गुना उसके ग्रैंड फादर बड़े हैं उसकी ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो ग्रैंड फादर को जी एफ लिख लेते हैं। कितना बड़े हैं? 10 times बड़े हैं ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ही इज ऑल्सो ही, हम इस इक्वेशन को आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे लिखा है? ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 10 into ग्रैंड डॉटर, मतलब कि ग्रैंड फादर की एज क्या है? 10 times है ग्रैंड डॉटर के। अगर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर इक्वल करेंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रैंड डॉटर में, तो ग्रैंड फादर उतना बड़े हो जाएंगे उनसे, ग्रैंड डॉटर से, है ना। इसलिए 10 times बोला गया है। ऑब्वियस है कि ग्रैंड फादर बड़े ही होंगे, काफ़ी बड़े होंगे, क्योंकि वे देखिए पूरे 2 generation का अंतर आ गया है। वो एक फर्स्ट जनरेशन ये फादर एंड सेकेंड ग्रैंड फादर हो जाएगा। ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हर। ठीक है, वो 54 years बड़े भी हैं ग्रैंड डॉटर से। ठीक है, तो ग्रैंड फादर एक और इक्वेशन बन गई। कितना है? 54। पहले देखिए ग्रैंड डॉटर बराबर हैं दोनों। अब इसमें तो हो नहीं सकता कि ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर दोनों बराबर हो। अब 54 किधर ऐड करेंगे हम? प्लस 54 ग्रैंड डॉटर की साइड ऐड करेंगे, तभी तो ये इक्वल हो जाएगा। ग्रैंड डॉटर की एज प्लस 54 बड़े हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरी क्वेश्चन भी बन जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अगर हमें पता चल गया कि ग्रैंड फादर की एज क्या है तो 10 times कर देंगे, और सॉरी ग्रैंड डॉटर की एज क्या है तो उसका 10 times कर देंगे हम ग्रैंड फादर में, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। वो कैसे पता चलेगी प्रेजेंट एज? क्योंकि देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई थी, दूसरी ये बन गई थी। ठीक है, तो ग्रैंड फादर का हमें पता था 10 times है ग्रैंड डॉटर का, तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में हम पहली इक्वेशन को रख देंगे। ठीक है, ग्रैंड फादर की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो क्या है? 10 into ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू, देखिए मैंने क्या रखा है, फर्स्ट इन सेकंड इक्वेशन में रखने पर ये चीज़ मुझे मिली है। ग्रैंड फादर की वैल्यू मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में रख दी है ना। 10 into ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू क्या होगा? ग्रैंड डॉटर प्लस 54, ये वाली इक्वेशन मैंने ऐसे उतार दी। ठीक है, अभी ग्रैंड डॉटर की वैल्यू इधर इधर है, इधर इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना, 10 GD माइनस का ग्रैंड डॉटर 54, 9 GD हो जाएगा 54। ठीक है, और ग्रैंड डॉटर की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 99, यहाँ से कट जाएगा। कितने टाइम में कटेगा? 6 times में। ग्रैंड डॉटर अभी 6 years की है। ठीक है, तो ग्रैंड फादर कितने ईयर के हो जाएंगे? ऊपर हमने यहाँ पे लिखा ही था 10, फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे हम, ये रही, ग्रैंड फादर इज इक्वल टू 10 times ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर की एज क्या है? 6, तो ये हो जाएगी। ग्रैंड फादर कितनी एज के हो गए? 10 into 6, 60 years के ग्रैंड फादर है। ग्रैंड डॉटर 66 years की है ओनली। ठीक है, दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच।